जैसा कि दोस्तों हमारी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 23 जुलाई को टिकटॉक भारत में चालू कर दिया जाएगा, यानी कि भारत से बैन हटा दिया जाएगा, फिर से टिकटॉक चालू हो जाएगा भारत में। वो कैसे और क्यों, तो फिर ये सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बारीकी से समझा सकूं। तो फिर आइए वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने वाले अपने भाई का नाम ले लीजिए, मेरा नाम है मंदूर। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि टिकटॉक हमारे भारत में बैन है अभी, यानी कि टिकटॉक अभी नहीं चल रहा है, यानी कि डाटा लीकेज होने के कारण हमारी भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। और पहले भी टिकटॉक बैन हो चुका है, जिसमें कि पहले वो वाले वीडियोस आ जाते थे, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके कारण यानी कि हमारी भारत सरकार ने पहले भी टिकटॉक बैन कर दिया था, पर फिर भी टिकटॉक ने रिक्वेस्ट करके हमारी भारत सरकार को यानी कि अपनी सफाई को देख पेश करके फिर से टिकटॉक को चालू करवा लिया। तो फिर इसी प्रकार से इस बार भी यानी कि टिकटॉक कंपनीज के जो ऑनर एंड सब लोग हैं वो फिर से लगे पड़े हैं यानी कि टिकटॉक चालू कराने में। तो फिर हमारी भारत सरकार ने कहा है कि हम 23 जुलाई को आपके टिकटॉक एप्लीकेशन को अपने इंडिया में फिर से चालू करवा देंगे, यानी कि बैन को हटा देंगे। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए हमारी भारत सरकार ने 70 सवाल दिए थे, वो अगर सही अगर जवाब दे देते हैं तो फिर वो यानी कि टिकटॉक एप्लीकेशन इंडिया में फिर से चालू हो जाएगा। और एक बात का है कि सबसे बड़ी बात यही है कि आप यानी कि अपनी डाटा की सफाई दो, यानी कि टिकटॉक का कहना है कि हम टिकटॉक यानी कि जो मैं इंडियन का डाटा इंडिया का डाटा है वो मैं कहीं नहीं सेल कर रहा, यानी कि कहीं भी नहीं देता हूँ। तो फिर ये सफाई पेश कर रहा है, तो फिर बता रहा है कि मैं अभी इंडिया में ही टिकटॉक का जो इंडियन के डाटा है इंडियंस का वो मैं इंडिया में ही रखूँगा। तो फिर आपको क्या लगता है, टिकटॉक फिर से भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं। तो फिर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के चैनल दोस्तों शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।